हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लॉबी द यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में 15 तारीख से 31 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको बस पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग जनरल है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस रीडिंग के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 15 से 31 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है। इसके बाद हम आपके लिए मून गाइडेंस देखेंगे एंड उसके साथ एंजल आंसर्स भी लेने वाले हैं। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। सो ओके, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं सेवन ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले हो। वो हो सकता है आपका खुद का हार्ट हो, वो हो सकता है आपकी पर्सन हो, वो हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप दिल से मन से तो चाहते हो बट कभी भी इजहार नहीं किया है, यानी वन साइडेड लव है। एंड इस टाइम पर अगर किसी इंसान को आप प्रोटेक्ट करने वाले हो किसी चीज़ से अपने लव लाइफ के साइड से, तो इसका क्रेडिट आप नहीं लेने वाले हो क्योंकि ये चीज़ आप दिल से करने वाले हो, आप खुद के लिए करते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा परेशानियाँ आपके लाइफ में इस टाइम पर आने वाला है, बट डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ओवरऑल कार्ड तो यही कह रहा है। तो देख लेते हैं एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है। ये बॉटम ऑफ द डेक था, इसे हमने साइड कर दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एंड यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है, यहाँ पर आर्थ साइन वर्गो है एंड बाकी कोई भी आर्थ साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है मुझे। ओके, सो यही है। चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉइसेस। आप देख सकते हो मुझे दिख रही है वर्तमान में आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन से आप चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे हो, यानी उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन में रह नहीं पा रहे हो एंड उस सिचुएशन के बारे में किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। सिचुएशन ही कुछ ऐसा है जिसको आपको मन ही मन फेस करना पड़ रहा है, बट आप चाहते हो उस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। मुझे दिख रही है कोई एक पर्सन ने शायद आपको हर्ट किया है या फिर कुछ ही दिनों के अंदर करने वाला है। बहुत ज़्यादा तरीके से कुछ बड़ा कुछ नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट इस टाइम पर थोड़ा सा दुख रहेगा। बट यहाँ पर और एक चीज़ भी दिख रही है जो कि बहुत पॉजिटिव है। इस सिचुएशन से ना कोई एक इंसान आपको ज़रूर बाहर ले आएगा एंड वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आपको अडोर करता है। सो डेफिनेटली वो इंसान आपके पीछे पीछे आते हुए दिख रहे हैं एंड वो आपको इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर ले आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो द हाई प्रिस्टेस है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस टाइम पर कोई एक इंसान आपसे कुछ पूछता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, आपको सर्च करता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो इंसान आपके भलाई चाहते हैं। क्योंकि उस इंसान को भी लगेगा इस टाइम पर कि कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं जिसको आप छुपा रहे हो, बट डेफिनेटली इस टाइम पर वो चीज़ आप नहीं बताने वाले हो किसी को भी। एंड मुझे दिख रही है कुछ रियलाइजेशन ना कुछ ही दिनों पहले आपको हुआ है अपने लव लाइफ के साइड से, जिसके वजह से ही कुछ चीज़ों को आप सीक्रेट रख रहे हो एंड कुछ लोगों के लिए कुछ मजबूरी भी दिख रही हैं। ये जो सीक्रेट है ना ये बहुत बड़ा कुछ दिख रही है मुझे एंड साथ में ही आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाला है। एंड मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ें इस टाइम पर आप ऐसा देखने वाले हो जो आपके आँखों के सामने नहीं हो रहा है बट फिर भी उस चीज़ को आप देख पाओगे। जैसा होता है ना कि दिल की बात जान लेना, या फिर आप कह सकते हो कि आपके सामने कोई इंसान ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में वो इंसान कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और दिखाना चाहते हैं बट दिखा कुछ और रहे हैं। तो इस टाइम पर ना आप उनके दिल की बात को भी अच्छे से पहचानते हुए दिख रहे हो, लोगों को इस टाइम पर अच्छे से परखते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो टू ऑफ इमोशंस आ गया है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस टाइम पर किसी एक इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रही है। बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलने वाला है, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो किसी एक इंसान के साथ, इमोशनली अटैच होते हुए दिख रहे हो, किसी के साथ दिल से दिल कनेक्ट कर पाओगे। यानी आपको इस टाइम पर ऐसा महसूस होगा कि वो इंसान आपको अच्छे से समझते हैं, आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान को आप अपने से दूर ढकेल कर चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ रहे थे,
तो इस टाइम पर डेफिनेटली आप किसी भी स्टेज में हो लव लाइफ के साइड से, मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, बट इस टाइम पर आपके साथ किसी एक इंसान की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है, प्यार रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपकी लव लाइफ में. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द फूल है, ब्यूटीफुल एनर्जी है. इस टाइम पर आप एकदम से इसे देख सकते हो, ये जो इंसान है, ये जो लड़की है, एकदम से जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ कोई रास्ता नहीं है, रास्ता ख़त्म हो रहा है. तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से ना कुछ रिस्क आप लेने वाले हो. आप इधर देख सकते हो एक लैडर है, इस लैडर के थ्रू ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके तकलीफ उठाने के बाद लव लाइफ के साइड से आप इस स्टेज पर खड़े हुए हो. एंड आपको इस टाइम पर और एक रिस्क लेना होगा, फिर जाकर आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा. तो मुझे दिख रही है इस टाइम पर यानी 25 तारीख के अराउंड में आपको कुछ रिस्क लेना पड़ सकता है आपके लव लाइफ के साइड से. ओके, सो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो चलना है, यानी बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं सोचना है, कोई भी डिसीशन, कोई भी एक्शन फोर्सफुली नहीं लेना है. डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है. आप जिनको पसंद करते हो, जिनको चाहते हो, जिनको प्यार करते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है. एकदम से गोइंग विद द फ्लो चलना, फिर जाकर आप देखोगे कि कब आप ये रिस्क ले रहे हो एंड उसके बाद उसका एक अच्छा रिटर्न कब आपको मिल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा. फाइन, सो नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पर है 9 of Inspiration. इस टाइम पर कोई एक इंसान ना आपको स्टॉक करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा तरीके से सर्च करने वाला है. कोई एक इंसान है जो आपको बुरी तरीके से सर्च कर रहा है, यानी आपके फ़ोटो वगैरह या फिर पिक्चर्स वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा है. तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कंसर्स हो जाना चाहिए. एंड मुझे दिख रही है आप किसी एक इंसान को ना ब्लॉक करने वाले हो, आप थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से. और एक चीज़ दिख रही है कि 9 महीने के अंदर या फिर 9 हफ्तों के अंदर आपने कोई एक चीज़ को ना किसी को बता दिया है, वो सीक्रेट था आपका, यानी उनको अच्छा समझ के आपने लीक कर दिया है वो इन्फॉर्मेशन. एंड उसको लेकर ही इस टाइम पर आप और ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो, उसको लेकर ही आप बहुत ज़्यादा तरीके से चिंतित होते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्शन लेते हुए दिख रहे हो. तो आपको इस टाइम पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए. यहाँ पर ओवरऑल मैसेज मुझे यही दिख रही है. गाइडेंस क्या है आपके लिए डिवाइन की तरफ से? सो पॉजिटिव रहें. तो यहाँ पर है होल्ड योर विशन. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक मैसेज दे दिया है डिवाइन ने. देखो, आप जो चाहते हो लव लाइफ के साइड से उसके ऊपर आपको फोकस करने को बोला जा रहा है, यानी आप लव लाइफ के साइड से जो चाहते हो, अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो अपने लव लाइफ में, किसी एक पर्सन को चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, आप जो चाहते हो उसके ऊपर फोकस्ड रहो. आप इधर उधर मत देखो, अपना टारगेट को फॉलो करो, अपना जो गोल है उसके ऊपर फोकस करके काम करो. इस टाइम पर उसके दौरान आपके पास एक सक्सेस आती हुई दिख रही है मुझे. बॉटम द डेक देख लेते हैं. यहाँ पर है विन विन आउटकम इज फोकस. डेफिनेटली आपको एकदम से विक्ट्री मिलने वाला है, एकदम से स्टेबिलिटी मिलने वाला है, बट आपको थोड़ा सा प्रयास और करना है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है अपने अंदर. ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. देख लेते हैं कि एंजल्स क्या आंसर देते हैं आपके क्वेश्चन का, या फिर क्या गाइडेंस देते हैं आपको. अगर कुछ पूछना है डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, येस और नो में आंसर आ सकता है. फाइन, सो देख लेते हैं कुछ और भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर है अबंडेंस. ब्यूटीफुल एनर्जी है. इस टाइम पर आपकी लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, ढेर सारा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही हैं. इस टाइम पर अगर आपके लव लाइफ में पैसों से रिलेटेड कुछ मसला था तो वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं. सो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है. तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांटिक सिचुएशंस भी आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आप सेंटर में ही आया है 2 of Cups यानी 2 of Emotions. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में है अपॉर्चुनिटी. तो 15 से 31 तारीख के अंदर कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के साइड से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं. यानी इस टाइम पर किसी की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आपको मिल सकता है, किसी की तरफ से प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आपके चहिता किसी पर्सन की तरफ से कुछ घूमने का ऑफर आ सकता है. कुछ भी हो सकता है, बट बहुत अच्छी रीडिंग दिख रही है मुझे. तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलना है. ओवरऑल तो यही दिख रहे हैं. सो बाय.